SSTP क्लासेस में स्वागत है बच्चों, आप सभी कैसे हैं। अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 14 विभाजन को समझना का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 8वां प्रश्न लिया है, बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदली अथवा कांग्रेस बंटवारे के लिए कितना जिम्मेवार था। ये दोनों में से कोई प्रश्न आएंगे तो उत्तर यही लिखिएगा। चूँकि दीर्घ उत्तरी है, छोटा छोटा पॉइंट 5 पॉइंट या 6 पॉइंट में लिखेंगे। उत्तर, बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच निम्नलिखित कारणों से बदल गई। पहला पॉइंट है राजी करने में विफल। वह मुस्लिम लीग को उसकी राष्ट्र विभाजन की मांग छोड़ने के लिए उसे राजी करने में विफल रही। दूसरा पॉइंट है महात्मा गांधी पर आश्रय। दूसरी, मुस्लिम लीग में ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को पाकिस्तान के लिए मांग कर कुछ कांग्रेसियों के दिमाग में यह विचार उत्पन्न कर दिया गया कि शायद कुछ समय बाद गांधी जी देश की एकता को पुनः स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है सत्ता का लालच। कुछ कांग्रेसी नेता सत्ता के प्रति ज़्यादा ललायित थे। वे चाहते थे कि देश का विभाजन हो लेकिन अंग्रेज चले जाए और उन्हें तुरंत सत्ता मिल जाए। चौथा पॉइंट है मुस्लिम लीग की मनमानी। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस करने की धमकी और बंगाल में उसके द्वारा बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़काना, हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक दल के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात उठाना और कुछ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा यह घोषित कर देना कि यदि लीग और कांग्रेस किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो भी अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे। कांग्रेस जानती थी कि 90 साल गुजरने के बाद भी अंग्रेज अपनी महिलाओं, बच्चों आदि के लिए वे खतरा उठाना नहीं चाहते थे जो उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अनुभव किए थे। अगला पॉइंट है कांग्रेस की मानसिकता। 1946 के चुनाव में जिन क्षेत्रों में मुस्लिम सरकार की आबादी बहुत थी वहां मुस्लिम लीग की सफलता, मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार करना, अंतिम सरकार में शामिल ना होना और जिन्ना के दोहरे राष्ट्र सिद्धांत बार बार बल देना कांग्रेस की मानसिकता पर राष्ट्र विभाजन के समर्थक निर्णय बनाने में सहायक रही। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कॉमेंट में हमें ज़रूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।